क्या निर्देश दिए आपने? जोशी मठ को लेकर हम पूरी गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ हमारा पहला काम है कि जो भी लोग उस खतरे की जद में आ रहे हैं, लगभग 600 परिवार ऐसे हैं जो जहाँ से पानी का रिसाव हो रहा है, जहाँ पर दरारें चल रही हैं, उस एरिया में सबसे पहले उनकी सबकी जान माल की सुरक्षा हो, सबको ठीक स्थानों पर लाया जाए और जो भी बचाव के लिए जरूरी हो वो सब करने के लिए वहाँ पर आपदा प्रबंधन के हमारे सचिव और कमिश्नर लगातार कैंप कर रहे हैं। और आज यहाँ पर सभी प्रकार के जो बचाव के काम हो सकते हैं, कुछ काम ऐसे हैं कि जो तात्कालिक होने हैं, उसमें लोगों को जहाँ अगर रेस्क्यू करना पड़ा या उनके रहने के लिए अगर स्थान बनाना हो तो उसके लिए ज़रूरी जो काम है एसटीएफ भी करेगी, अन्य विभाग भी करेंगे और यहाँ से भी हम लोग देख रहे हैं। और कुछ काम दीर्घकालिक हैं कि दीर्घकालिक कामों में हमारा पीपल कोटी का क्षेत्र है, गौचर का क्षेत्र है, उस आसपास के क्षेत्र में जो नया स्थान है, अगर वहाँ पर लोगों को पुनर्वास करने की आवश्यकता पड़ती है तो उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। और कोई भी देरी न हो, जितने भी चाहे ड्रेनेज का प्लान हो, ड्रेनेज का काम हो या सीवर का सीवर लाइन बनाने की बात हो, उन सभी पर हमने कहा है कि जो भी काम इस समय पर वहाँ होने हैं वो सीधे सीधे हो जाएं। उस पर किसी भी प्रकार की जो बहुत औपचारिकताएं होती हैं वो औपचारिकताएं न करके सीधे मुझे रिफर कर दें और मैं सीधे ही, मैंने कहा है कि उसको सीधे यहाँ से सरकार की तरफ से स्वीकृति मिलेगी, जिससे कि तत्कालिक लोगों को जो है अभी जो जरूरत है उस जरूरत के मुताबिक वहाँ पर। सर, सवाल ये है सर कि जब पूरी स्थिति बिगड़ गई है तब राज्य सरकार जागी है, तभी ये कमेटी पहुँची है, तभी व्यवस्थाएं बनाई जा रही है, उससे पहले सरकार को कुछ करना नहीं चाहिए था क्या? लगातार इसमें पहले से भी जो हमारे संस्थान हैं उन संस्थानों ने भी इस पर काम किया है और पूरी गंभीरता से 2 तारीख से थोड़ा सा चीज़ें जो पानी का रिसाव और जो दरारें आने का काम हुआ है उस पर काम हुआ है और आगे क्योंकि जो भी जरूरत के मुताबिक काम हो वो सब काम किए जाएंगे और कर रहे हैं गंभीरता से। सर, विशेषज्ञों के बताया इसका कारण क्या लग रहा है, पड़ रही है कुछ निकल के आता है गवर्नमेंट से? अभी जितने भी जो हमारे अनुसंधान करने वाले इस क्षेत्र में हैं, चाहे हमारा IIT रुड़की है, यहाँ पर वाडिया संस्थान है, हमारे GIS संस्थान है, इन सभी संस्थानों के लोग इस पर काम कर रहे हैं और भी जिन संस्थानों से हमें इसके अनुसंधान के लिए, इसकी रिसर्च के लिए कि वो स्थान खोजने के लिए कि आखिर क्या कारण है, उस पर काम चल रहा है और जो जरूरत उसके हिसाब से सभी से इसमें मदद मांगी जा रही है। सर, कल आप जा रहे हैं जोशी मठ में, ऐसा? हाँ, वहाँ पर जाकर क्योंकि जिस प्रकार के जो भी काम चल रहे हैं मैं स्वयं वहाँ पर जाकर देखूँगा और वहाँ अधिकारियों के साथ अन्य लोगों के साथ भी वहाँ बैठक भी करेंगे। सर, 4,000 रुपये किराया देने की बात आई 6 महीने तक जिनको? हाँ, जितनी भी मैंने कहा है कि अगले 6 माह तक और जब तक की जरूरत पड़ेगी, ये काम हम लोग अन्य स्थानों पर भी करते रहे हैं और यहाँ भी जो है जिन लोगों को अपने घरों से बाहर रहना पड़ेगा, अन्य स्थानों पर रहना पड़ेगा, उनकी व्यवस्था करेंगे। थैंक यू।